क्लास में आपका मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कवर हो गया था. नेक्स्ट इज नंबर 3, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट. पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका अगला. तो पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स आफ्टर मेंडल डेथ, मेंडल के डेथ के बाद ही पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आया. और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के लिए जो ईयर था, ईयर वाज 1901. द ईयर वाज 1901, ये था पोस्ट मेंडेलियन ईयर. और इस पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब ही है कि मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी की गई. और रीडिस्कवरी में जिस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, देयर वेयर 3 साइंटिस्ट हु सपोर्टेड. वन वाज ह्यूगो डिवेरिस, नंबर 2 वाज कार्ल कॉरेंस, एंड नंबर 3 वाज ट्रेशरमार्क. ट्रेशरमार्क, देयर वेयर 3 फेमस साइंटिस्ट. इन्होंने ही मेंडल के डेथ के बाद 1884 में जब मेंडल की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर करने की कोशिश की. और ये तीनों ने मिलकर मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया. और रीडिस्कवर जब किया गया, तो जब इन्होंने उनकी लिखी हुई पब्लिकेशंस या उनके जो पोस्टुलेट्स थे उनको देखा, तो उसमें एक एक सवाल और खुद उसका जवाब दिया गया था. जैसे पोस्टुलेट्स को देखने पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही था कि वाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, आखिर पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ योर एनसीईआरटी एंड अलॉन्ग विथ दिस बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन. बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये कि why did Mendel selected pea plant, और इसका आंसर उनके पोस्टुलेट में मेंशन था. कोई भी बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो वही उसका जवाब देता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ. और मेंडल के जरिए जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उसके जवाब को दूसरे साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया है, लेकिन वो जवाब पहले से ही मेंडल ने अपनी पब्लिकेशंस में, अपने पोस्टुलेट्स में लिख के रखा था. हाँ, जिस वक्त वो अलाइव थे उस वक्त उसकी रिकॉग्निशन नहीं हुई, लेकिन उनके डेथ के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया. और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में जो रीडिस्कवरी की गई वो इन 3 साइंटिस्ट के जरिया की गई. और इन तीनों ने मिल करके हर एक जेनेटिक से रिलेटेड टर्म जो मेंडल ने दिया था उसको सॉर्ट आउट किया और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया. अब हमारा अगला सवाल जो है, जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड है या जो मेंडल ने जिसको सबसे पहले अपने पोस्टुलेट में डाला था, द क्वेश्चन इज why did Mendel selected pea plant. मेंडल ने पी प्लांट ही सेलेक्ट क्यों किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि अक्सर एग्जामिनेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू बनता है. तो मेंडल ने इसके रिप्लाईज में कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि मैंने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया. सबसे पहला जो उनका पोस्टुलेट है इससे रिलेटेड वो ये है कि पी प्लांट जो होता है इट इज ऑफ स्मॉल साइज एंड इजिली हैंडलिंग. ये स्मॉल साइज का होता है और काफी आसानी से ये हैंडलिंग होता है. कहीं पर भी इस पी को हाथ में लेके एक्सपेरिमेंट करना काफी इजी है और इसकी साइज भी जो होती है वो काफी छोटी होती है. तो स्मॉल साइज के साथ साथ इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, ये हमारे मेंडल साहब का पहला रीजन था. सेकेंड रीजन जो उन्होंने दिया वो ये दिया कि पी प्लांट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 3 to 4 months only. अब देखिए जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो जेनेटिक्स का मतलब जेनरेशन, और मेंडल को जल्दी जल्दी जेनरेशन देखनी थी, क्विक जेनरेशन का ऑब्जर्वेशन करना था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स देख सके और उन्हें ऑब्जर्व कर सके. तो मेंडल को पी प्लांट चुनने से ये फायदा हुआ कि इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, 3 to 4 months, और उसके बाद तुरंत नई जनरेशन आ जाती थी. तो मेंडल को शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से जेनेटिक्स के नए जनरेशंस को देखने के बाद जेनेटिक्स पर और ज्यादा वर्क करने में आसानी हुई. तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से भी इसको मेंडल ने चुना. उनके थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग मेंडल का कहना है कि सिंगल मेटिंग इन द सेंस फर्टिलाइजेशन कैन प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोजेनी.
तो इसका मतलब ये है कि सिंगल मेटिंग, अगर एक मेटिंग होगी तो ये कई ज्यादा प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मटर के प्लांट में देखते हैं, मटर आता है घर में तो उसको खोलने के बाद उसमें कई सारे छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं। तो अगर आप 10 पीस हाथ में मटर लेते हो और एक पीस में 5 दाना है अगर उसका तो 50 है ना, और वो 50 सीड में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होगा ही। तो इनका कहना था कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद कई सारे प्रोजेनी का रिजल्ट हमें आसानी से मिल सकता था, इसीलिए इसको चुना गया, ठीक है ना। तो ये इसका इनका तीसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आया, 3 पॉइंट हुआ इनका। अगले पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई वो बताई कि पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब आपको बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है, मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन अ सिंगल प्लांट, सिंगल फ्लावर, तो ये बाइसेक्सुअल होता था। और बाइसेक्सुअल की खासियत ये है कि बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑफ कोर्स। और जानते हैं बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन होने के साथ साथ इसमें पॉलिनेशन जो था वो था बर्ड पॉलिनेशन। तो देखिए, पी प्लांट बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल में बहुत ही आसानी से पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये एजेंट पर डिपेंड नहीं होता है। सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही में है, तो आसानी से वो क्या करेगा, पॉलिनेट कर जाएगा। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के साथ उन्होंने एक टर्म मेंशन किया, बर्ड पॉलिनेशन इज फाउंड। बर्ड मतलब होता है कली, और बर्ड क्या होता है, क्लोज होता है। तो बर्ड पॉलिनेशन से आपके सेंस में एक बात आनी चाहिए कि क्लिस्टोगैमी हो रही होगी या कैस्मोगैमी हो रही होगी। ऑफकोर्स क्लिस्टोगैमी हो रही होगी क्योंकि क्लिस्टोगैमी मतलब क्या हुआ, क्लोज फ्लावर, तो ये क्लोज ही है, उसी समय इसमें पॉलिनेशन हो जा रहा था। तो एक फायदा तो दिख रहा था कि बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन से ट्रू लाइन देखी जा रही थी। ट्रू लाइन मतलब ट्रू ब्रीड, बिल्कुल सिमिलर टू द पेरेंट, बट इट वॉज जेनेटिक्स, और बिना वेरिएशन के तो जेनेटिक्स पे काम नहीं किया जा सकता है। तो मेंडल ने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन से तो मुझे ट्रू ब्रीड्स मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी होगी कुछ टेक्निक जिससे मैं जीन्स में वेरिएशन देख सकूं। और मेंडल ने जो नेचुरली हो रहा था इसमें बाइसेक्सुअल होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा अगर उन्हें वेरिएशन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और आप बेहतर तरीका से जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें ईमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के बारे में पता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को पहले ही रिमूव कर लेंगे हम, और बैगिंग टेक्निक जिसमें हम स्टिग्मा को क्या करते हैं, बैग से रैप अप कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं, है ना, और जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से ट्रू लाइन मिल रहा था, लेकिन आपने सवाल किया कि वेरिएशन के लिए उन्होंने क्या किया, तो वेरिएशन के लिए उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया और बिल्कुल उन्हें कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई दिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डिड ही सिलेक्टेड पी प्लांट, पॉइंट नंबर 5, इट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इट हैज 7 pairs of contrasting characters। ये बात जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पी प्लांट में उन्हें 7 pairs of contrasting character मिले। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है contrasting, contrasting का मतलब ही होता है एक दूसरे से अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। तो पी प्लांट एक ऐसा स्पेशल प्लांट था जिसमें उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें 14 न्यू कैरेक्टर्स मिले, और ये 14 कैरेक्टर्स जो थे ना, ये पेयर्स में थे और एक दूसरे के अपोजिट थे। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही गॉट। तो आवर क्वेश्चन वाज, हमारा सवाल ये था कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। तो पहला रीजन कि वो स्मॉल साइज का था, इजिली हैंडलिंग था। दूसरा रीजन, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, जनरेशन जल्दी जल्दी आ सकती थी। तीसरा रीजन, एक मेटिंग से मल्टीपल प्रोजेनी आ जाती थी। चौथा रीजन कि वो प्लांट ऐसा था जिसमें बाइसेक्सुअल होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन तो था ही, और हम चाहे तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। और पांचवा रीजन कि उसमें 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मौजूद थे। अब हमारा ये टर्म जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर उन्होंने दो मेन
फीचर्स ढूंढे हैं. वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव. वी आर हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. और जब बात हो रही है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनके अकॉर्डिंग दो होते थे. वन वाज डोमिनेंट एंड अनदर वाज रिसेसिव. तो दो तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने फाउंड आउट किए हैं. वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव. कैरेक्टर्स जो है वो सेवन पेयर्स हैं, लेकिन कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो मिली है वो दो मिली है, एक डोमिनेंट फीचर और एक रिसेसिव फीचर. अगर बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहा जाए तो हम कह सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं ये वैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे खुद को. अगर 7 साल तक इन्होंने काम किया और 7 साल तक जितने भी जनरेशंस इन्होंने देखे, हर जनरेशन में अगर कोई कैरेक्टर बार बार आ रहा है तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा. डोमिनेंट को हम एक सिंपल टर्म में एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. एंड रिसेसिव जस्ट इसका अपोजिट, जो किसी एक या दो जनरेशन में ही आता है और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो ये होते हैं हमारे रिसेसिव कैरेक्टर. डोमिनेंट के लिए ही दूसरी लाइन आपकी जाएगी कि जो डोमिनेंट होता है इसको हमेशा कैपिटल लेटर से सिंबलाइज किया जाता है. कैपिटल लेटर डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं. एग्जांपल के तौर पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक टॉल. टॉल इज डोमिनेंट, देन टॉल विल बी एक्सप्रेस विद कैपिटल टी. टॉल एक डोमिनेंट फीचर है और टॉल को हम हमेशा ब्रैकेट के अंडर कैपिटल टी से ही दिखाते हैं. तो ये डोमिनेंट को दिखाने का तरीका है कि कैपिटल लेटर से इसको दिखाया जाएगा. यस, डबल टी. ठीक इसके अपोजिट आते हैं रिसेसिव. इट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर. इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं ड्वार्फ. एंड ड्वार्फ इज ऑलवेज शोन बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल टी. Dwarf is the example of recessive character given by Mendel and it is expressed by small t. So, ये dwarf character हो गया. तो ये हमने जो हमारे सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनको रखना कैसे है. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की दो फितरत है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. और डोमिनेंट जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करे और रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे हम और जो रिसेसिव होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं. तो ये इसका डिफरेंस हुआ. अब बारी आती है कि वो सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे क्या. अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो ये सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे जो हमें मेंडल ने दिया. नाउ वी आर हैविंग अ कॉलम कैरेक्टर्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसा करके हमारे पास जो सेवन पेयर्स है वो क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम हाइट की. दिस वाज आवर फर्स्ट कैरेक्टर स्टेम हाइट, इन विच द डोमिनेंट वाज टॉल एंड रिसेसिव वाज ऑफ कोर्स ड्वार्फ स्मॉल टी. द नेक्स्ट कैरेक्टर वी आर हैविंग is seed shape and the dominant was round and the recessive was wrinkled. Third, we are having seed color. The dominant was yellow capital Y and the recessive was of course green shown by the help of small y. Number 4, pod shape. Pod is also known as fruit, you can also call it fruit. It is inflatted is similar with round and
the recessive is constricted. Constricted is similar with wrinkled. Okay, so pod shape ho gaya aapka ye. Next we are having number 5 is pod color. And in pod color, the dominant was green, capital Y, and the recessive was yellow. Number 6, we are having flower color. And this was violet, shown with 2 capital W, and it was white. Last but not the least, number 7, we are having flower position. Flower position, one is axial and another is terminal. Terminal is also known as apical. टर्मिनल को हम एपिकल भी कहते हैं. एक बार आप देख लीजिए पोजीशन कैसी होती है. दिस इज द प्लांट एंड दिस इज लीफ. दिस इज लीफ. अगर फ्लावर जो होगी वो बिल्कुल लीफ से सट के, लीफ से ज्वाइंट होकर के हो रही है, फ्लावर लीफ के साथ अटैच है, तो दिस इज नोन एज एक्सियल. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्सियल अरेंजमेंट. लेकिन अगर आपका ये प्लांट है, इफ दिस इज योर प्लांट, दिस इज द लीफ, और फ्लावर की पोजीशन जो है वो बिल्कुल एपेक्स पर है, ऊपर आकर के कहीं पर फ्लावर हो रहा है बिल्कुल एपेक्स पर, देन इट इज नोन एज टर्मिनल, या हम इसको क्या कहेंगे, एपिकल कहेंगे. तो ये है हमारे मेंडल्स के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें कुछ का सिंबलाइज किया गया है और जो रिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दीज आर द फर्स्ट 3, यानी के फर्स्ट 3 के बाद फ्लावर का कलर वायलेट और व्हाइट, इसके बेसिस पे भी क्रॉसिंग्स में क्वेश्चंस आते हैं. तो ये है आपका 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इसके बाद जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हो जाएगी. तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बाद आपको पढ़ना है जो नेक्स्ट, वो है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस.